जापान के स्कूलों की कुछ ऐसी बातें जिन्हें सुनकर आप चैनल सब्सक्राइब करोगे। अगर कोई लड़का जापान के स्कूल में बदमाशी करता हुआ पकड़ा गया तो उसे अगले 7 दिन तक लड़कियों के साथ क्लास में बैठाया जाता है। अगर कोई स्टूडेंट बेंच पर अपना और अपनी प्रेमिका का नाम लिखता हुआ पकड़ा जाता है तो टीचर उसे पूरे क्लासरूम में सरेआम टकला कर देती है। जापान के स्कूलों में बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है ताकि वे मुसीबत के वक्त अपना बचाव कर सकें। और जबकि इंडिया में स्टूडेंट आपस में ही सेल्फ डिफेंस सीख लेते हैं, अगर कोई स्टूडेंट क्लास में 3 बार से अधिक छींक देता है तो टीचर उसे क्लास से बाहर निकाल देती है ताकि दूसरे स्टूडेंट को इन्फेक्शन ना हो जाए। और जापान के स्कूलों में 10 साल के बच्चों को कोई भी एग्जाम देना नहीं पड़ता है और वहाँ के स्कूलों में सभी को एक जैसा खाना मिलता है। और जबकि इंडिया में तो